हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग फ्लेमिंगो पर। आप सभी को पता है जैसे कि मैं हर बार मेरे नए एपिसोड में कई ऐसे जगह पे लेके जाता हूँ जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहती। जैसे कि आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि शिवजी और पार्वती की शादी कहाँ पर हुई थी। शिवजी और पार्वती की शादी सुमेरु पर्वत पर हुई थी, जो कि हम हिमालय भी बोल सकते हैं। तो गाइज़, ये पीछे साइड में आप लोग जो देख रहे हो, यह हिमालय पर्वत जिस मंदिर में उनकी शादी हुई थी, उस मंदिर में मैं अभी थोड़ी देर में आपको वहां पे लेके जाने वाला हूँ। तो बने रहिए आखिरी तक। सो गाइज, पीछे साइड के जो पर्वत है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आज की जो डेट है वो अपना 10। मेरे होम टाउन में तो ऑलमोस्ट काफ़ी गर्मी है, ऑलमोस्ट 42-45 डिग्री सेल्सियस चालू है, बट यहाँ का जो है टेम्परेचर काफ़ी प्लीजेंट है। काफ़ी प्लीजेंट यानी ऑलमोस्ट 16 से 17 डिग्री होगा हार्डली। ठंडा है, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। गाइस देखिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है। हम लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। अभी काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं, यानी तो ये ऐसे ही छोटे छोटे रास्तों से मुझे आना पड़ा था। ये मंदिर का गेट है हमारे, हम लोग अंदर चलते हैं। जय शिव शंकर। छोटी छोटी दुकानें भी सजी रखी हुई है, काफ़ी अच्छे से सजा के रखे हुए इन लोगों ने। गाइज, ये है हमारा ब्यूटीफुल टेंपल जहाँ पे शिव जी की और पार्वती की शादी हुई थी। और ये वो कुंड है जहाँ पे शिव जी के बारात में जितने भी देवता आए थे उन लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था। ये पंडित जी हमारे सामने ही है, तो हम थोड़ा सा पंडित जी से बात करके उनसे इससे जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग मंदिर में आ गए। ये कुंड है अपना, विष्णु कुंड है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए, तो हम लोग पंडित जी से पूछते कि इस मंदिर का हिस्ट्री कैसा था, उनसे जानने की कोशिश करते। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपका नाम? जी, मेरा नाम सर्वेशानंद भट्ट है और मैं यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा, तीर्थ पुरोहित हो, ओके। पंडित जी, मुझे थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानना था, तो आपको जितना भी पता होगा प्लीज़ बताइए थोड़ा। जी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पे जो है त्रेता युग में माता पार्वती और बाबा शंकर नाथ जी का शादी हुआ, विवाह हुआ था। बराबर था जी। ये मंदिर भगवान विष्णु का है और त्रेता युग से यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। अच्छा, त्रेता युग से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है और नारायण भगवान जी का मंदिर है, विष्णु भगवान नारायण जी की है, इसीलिए यहाँ पे नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। अच्छा, विष्णु भगवान जी को साक्षी करके शंकर और पार्वती का शादी इसी जगह भी हुआ था। हाँ। और यहाँ पे प्रांगण में तीन कुंड है, तीन कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड। अच्छा। और विष्णु कुंड, विष्णु कुंड। इन तीनों कुंड में जो जल आता है ये सरस्वती धारा से आता है। बराबर है, ये सरस्वती धारा से बहता है और विष्णु कुंड में जाता है, फिर विष्णु कुंड से रुद्र कुंड में, रुद्र कुंड से ब्रह्म कुंड में। अच्छा। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में नहाने का माध्यम में स्नान वगैरह किया जाता है। कहते हैं जब यहाँ पे भगवान शंकर जी की शादी हुई थी, तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में देवी देवता ऋषि मुनि जितने भी लोग आए थे शादी में, सबने वहाँ पे स्नान किया था। अच्छा। विष्णु कुंड में आचमन किया था। अच्छा, आचमन होता है। हाँ हाँ, आचमन किया था। बराबर। फिर यहाँ पे उनकी शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अच्छा जी।
भगवान मंदिर के अंदर जिस अग्नि के फेरे त्रेता युग में माता पार्वती और शंकर भगवान जी ने लिए थे, हाँ, वो अग्नि आज तक प्रज्वलित है। ये 24 घंटे 12 महीने प्रज्वलित रहती है, यानी त्रेता युग से अभी तक के प्रज्वलित है। प्रज्वलित है, मैं सुना था। सिर्फ इतना है, त्रेता और द्वापर में ये अग्नि अपने आप जलती थी वेद मंत्रों के द्वारा। अच्छा जी, लेकिन कलयुग का जब प्रथम चरण था, हाँ, तो कलयुग का प्रभाव बढ़ा। अच्छा, तो इसका प्रभाव कम होने लगा। बराबर है जी, क्योंकि तब सात्विक लोग नहीं रहे। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर है, ऋषि मुनि चले गए तो सात्विक लोग नहीं रहे, तो उसमें जो है उस कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, तो कम होने लगी। तो फिर ऋषि मुनि ने व्यवस्था बनाई कि इसको जिंदा रखना है, इसमें सभी लोग इसमें जो है संविदा डालेंगे। अच्छा, लकड़ी चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे अच्छा, हम यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, तो प्रत्येक आदमी एक एक आदमी 3 दिन तक उसमें लकड़ी डालता है। अच्छा, सुबह शाम दोपहर उसको जिंदा रखना है। बराबर, तीर्थ यात्री लोग आ गए उसमें अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी चढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, 100 रुपए की चढ़ाई, 10 रुपए की चढ़ाई, वहाँ पे लकड़ी बेचने वाले रहते हैं। अच्छा, अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु जी के दर्शन है। बराबर है, बीच में भगवान विष्णु जी है, दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी और बाईं तरफ सरस्वती जी है। लक्ष्मी नारायण सरस्वती जी यहाँ पे विराजमान है, और भगवान जी के चरणों में ताम्र पात्र है। अच्छा, ताम्र पात्र में 108 शालिग्राम है। अच्छा, 108 शालिग्राम है। बराबर है, भगवान जी के पीछे भगवान जी की पंचायत है, आदि गुरु शंकराचार्य जी, कुबेरनाथ जी, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, भगवान रामचंद्र जी और नरनारायण जी। अच्छा, भगवान जी के आगे चतुर्भुज भगवान सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति है। हाँ, सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति के आगे अखंड दीपक है चांदी का। अच्छा, और चांदी के दीपक के नीचे शिव और पार्वती जी का पाषाण का मूर्ति है पीले वस्त्रों में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो पंडित जी, हमारे जितने व्यूअर्स है, ये जो आपने तीनों कुंड बताए, सरस्वती कुंड, ब्रह्मा कुंड और अपना विष्णु कुंड, तो इनके आप प्लीज वो तीनों कुंड कैसे है वो भी दिखा दीजिए, और वो जो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है वो भी दिखा दीजिए। जी, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आप देखिए। हाँ जी, ये ब्रह्म कुंड है, और इसी कुंड में जो है स्नान किया जाता है। अच्छा, तीर्थ यात्री लोग आते हैं यहाँ पे नहाते हैं। अच्छा, ये ब्रह्म कुंड, ये ब्रह्म कुंड सर। बढ़िया, और ये दूसरा रुद्र कुंड है, ये कुंड में भी नहाने का माध्यम है, इसके अंदर शिवलिंग है। अच्छा हाँ, शिवलिंग है, जलेश्वर महादेव जी है शिवलिंग इसके अंदर। ये शायद व्यूअर्स को हमारे दिख रहा नहीं होगा, बट इस साइड से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये शिवलिंग है, ठीक है। और तीसरा विष्णु कुंड है, इस कुंड को इस कुंड से जो है आचमन किया जाता है, और इस कुंड के पानी पीने से हाँ, पेट की कई बीमारियों का जो है नाश हो जाता है। अच्छा, इस कुंड में पानी कहाँ से आता है? इस कुंड में सरस्वती धारा से पानी आता है। सरस्वती धारा से, ये अंदर आपको मैं सरस्वती धारा दिखाता हूँ। ये सरस्वती धारा है, ये सरस्वती धारा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जलधारा उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ आपको बहुत कम जलधारा ऐसी मिलेगी जो उत्तर की तरफ बहती है। अच्छा, ये जलधारा उत्तर की तरफ बहती है। और ये कहाँ से और कैसे आती है और कहाँ पे जाती है? ये पानी निकलता है भगवान जी के चरणों से, अंदर से, गर्भगृह से। गर्भगृह से, अच्छा। ये पानी जाता है विष्णु कुंड में, विष्णु कुंड से रुद्र कुंड में, रुद्र कुंड से विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड में। अच्छा, और ब्रह्म कुंड से जाता है सीधे मंदाकिनी नदी में। सीधा मंदाकिनी? जी, मंदाकिनी। अच्छा, जो नीचे साइड में जो बह रही है, जो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी गंगा, वहीं पे मिल जाती है। और यहाँ पे शंकर और पार्वती जी का जोड़ा मूर्ति है। अच्छा, ये भगवान शिव जी है और माता पार्वती जी। बढ़िया। सुबह इस तीनों कुंड देखने के बाद में मैं अग्नि कुंड दिखाता हूँ, जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी की शादी के फेरे हुए थे। इसको धुनी कहते हैं। अच्छा जी, इसको धुनी कहते हैं, यही वो अग्नि कुंड है जिस अग्नि के फेरे माता पार्वती और बाबा शंकरनाथ जी ने लिए थे। अच्छा, त्रेता युग में इसी अग्नि को जो है जिंदा रखा गया अभी तक। अच्छा, यानी ये दो युगों तक के खुद से खुद ब खुद जलती थी, फिर कलयुग शुरू होने के अपने आप जलती थी। त्रेता द्वापर में खुद से जलती थी जी, लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि कलयुग में जो है कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तो इसका प्रभाव कम होने लगा। बराबर जी, तो इसको जिंदा रखने के लिए लकड़ी चढ़ाया जाता है। और इसकी जो बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो भस्म है, हाँ, ये यहाँ का मुख्य प्रसादी है। ये प्रसादी आपको कोई भी तीर्थ यात्री आता है उसको जो है प्रसादी के रूप में मिलती है भस्मी, और इसको घर में ले जाके शुद्ध जगह पे रखना है। बढ़िया जी, अपना अंदर की मूर्तियाँ जो पंडित जी ने बताया था, वो काफ़ी अंदर और अंधेरे में है, तो खास दिखेगी नहीं वो। बाकी आप ये मंदिर देख लीजिए।
सो गाइस, ये जो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, ये जैसा पंडित जी ने बताया अपना, उस युग से अभी तक के कंटिन्यूशन में चालू है। अब वो वहाँ पे तो माता के फेरे हुए थे, और ये जो जगह है, ये तक्षशिला बोलते हैं इसको, यहाँ पे माता का कन्यादान हुआ था, ठीक है। और ये वाला जो पत्थर है, यहाँ पे गाय बांधी थी, यानी राजा हिमालय ने अपनी पुत्री जो ये है पार्वती जो है, उनको 1,25,000 गाय का दान किया था, तो 1,25,000 गाय यहाँ पे बांधी गई थी, यानी 1,25,000 गाय एट ए टाइम यहाँ पे नहीं बांधी थी, एक एक करके उन्होंने बांधे हुए थे। ये दिखने में लकड़ी का दिख रहा है, बट ये है पूरा पत्थर का, ये तब से ही एज इट इज है ये पत्थर। ये मंदिर बैक साइड से है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है गाइस ये। आप लोग अगर यहाँ पे आना होगा तो यहाँ का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वैसे भी। गाइस, ये मंदिर के बाहर साइड का एरिया है। पंडित जी, ये क्या है, ये कौन सा बाहर मंदिर? में भगवान के पंचायत जी हैं, ये ईशानेश्वर जी हैं, अच्छा, बगल में अर्धनारीश्वर जी हैं, ये वाले बगल में बजरंगबली जी हैं, ये माता अन्नपूर्णा जी हैं, अच्छा, और गणेश जी और मच्छिन्द्रनाथ जी, अच्छा, गणेश जी और मच्छिन्द्रनाथ जी, ये मच्छिन्द्रनाथ जी की पंचायत है, अच्छा, ये जो है ये पंचायत है भगवान की। और ये कब से है ये अपना? ये जब से भगवान नारायण का यहाँ पे जन्म हुआ था, हाँ, उसी टाइम से भगवान की पंचायत के साथ विराजमान है। अच्छा, गाइज, आप लोगों को एक बार ये विजिट करना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर, काफ़ी सीरियसली काफ़ी खूबसूरत मंदिर। अभी फ़िलहाल में तो ये अप्रैल महीना शुरू है, बट ये अप्रैल महीना जैसे विंटर का सीज़न रहता, तो यहाँ पे जितनी ये जो आजू बाजू की जो पहाड़ियाँ दिखती, यहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। पंडित जी बता रहे थे यहाँ पे हर जगह बर्फ़ रहता है, तो सोचिए गाइज इसका लुक कितना अच्छा रहता होगा। गैस, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी डिवोटी आते हैं, वो यहाँ पे हाथ पैर धो के ये आगे वाला जो सरस्वती कुंड से जो पानी आ रहा है, इसमें आचमन करते हो। आपको पानी लेना है तो इसमें से ले लीजिए, आचमन इसमें से ले लीजिए। पानी इतना शुद्ध है, आप क्लियरली देख सकते हो। गाइज, आप लोग इसका बिल्ड देखिए, शिवजी और पार्वती की शादी के पहले से ये बनाया हुआ मंदिर है, और अभी भी कितना स्ट्रांग, नाइस। उसी तरह गाइज, ये जो बाहर में अर्धनारेश्वर का जो मंदिर है, ये भी उतना ही पुराना है। ये हालांकि थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हो कि हल्का सा ये डैमेज दिख रहा है, पर ये 20-25-50 साल और इसको कुछ नहीं होता। अब पंडित जी, ये जो कुंड का जो पानी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप प्लीज़। ये कुंड का पानी जो है वो अंदर से आता है, भगवान विष्णु के चरणों को छू करके आता है, धो करके आता है, हाँ, और वहाँ से विष्णु कुंड में आता है। तो उस पानी से जो है हर एक रोगों की बीमारी दूर होती है ना। इसको कोई भी रोग हो, उसको पीने से सारी बीमारियाँ दूर होती है। अच्छा, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है विश्वास। विश्वास बराबर है, तुष्टंत देवता होता है, बराबर। भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, बराबर है ना जी, ठीक। जैसे ये विभूत है, ये भी यही काम करते हैं। अच्छा, इसको धारण करने से जो है आपके पर कोई भी छाल छित जादू टोना वगैरह मैंने कुछ इसके सामने कुछ नहीं करता है। अच्छा, इतनी बड़ी पावर है इसकी, बराबर, पर है विश्वास। ठीक 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 है ना, विश्वास है।
सो गाइस, जैसे पंडित जी ने बताया इस पानी का महत्व, तो मैंने भी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी 2 बोतल यहाँ से ले लिया है। अगर आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होगा या आप लोगों को भी लगता होगा कि हम लोगों ने पानी ग्रहण करना चाहिए, तो मेरे पास में है पानी, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली पानी दे दूँगा। सो गाइस, पहले मैं मेरे होम टाउन से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं हरिद्वार की ट्रेन पकड़ा, हरिद्वार से मैं ऋषिकेश की ट्रेन पकड़ा, फिर ऋषिकेश से मैं रुद्रप्रयाग आया, रुद्रप्रयाग से मैं सोनप्रयाग आया, सोनप्रयाग से आने के बाद में मैं इस मंदिर में आया, त्रियुगी मंदिर में आया। सो गाइज, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं कंटिन्यूशन में 4 दिन का जर्नी किया, तो वो जर्नी जो है मेरे चेहरे पे दिखी रही होंगी आपको, काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया, काफ़ी थक गया, बट मैंने एनी हाउ आके यहाँ पे आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराए। अब जब मेरी इतनी मेहनत हुई, तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो टोटली स्पॉन्सर्ड था। स्क्रीन पे अभी आपको जिस ग्रुप का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, उन्होंने आज के इस वीडियो को हमारा स्पॉन्सरशिप किया हुआ था। उन्होंने स्पेशली हमें कॉल करके उनके ऑफिस में बुलाया था, और शिव पार्वती की शादी जहाँ पे हुई थी, जैसे कि त्रियुगी नारायणी मंदिर में शादी हुई थी, तो इस पे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हमको स्पॉन्सरशिप दी हुई थी।